हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बहुत इजी वे में टोस्ट का केक बनाना बताएंगे। ये विप क्रीम ली थी हमने, इसको विप कर लिया। अब इसको एक मोल्ड में भर लेते हैं। ये हमने घर पे ऐसे ही बना लिया है, तो आप ऐसे ही पेपर से भी बना सकते हैं। हमें नॉर्मल दूध लेना है, बस थोड़ा ये ध्यान रहे वो थोड़ा सा ठंडा हो, और उसमें शुगर ऐड कर लेनी है आपको, 2 चम्मच शुगर ऐड कर लेनी है। अब करना क्या है आपको, इस तरीके से टोस्ट लेने हैं और उसको ऐसे डिप कर लेना है दूध में दोनों साइड से, इस तरीके से, और उसको इस तरीके से रख लेना है। ऐसे ही आपको दूसरा लेना है, उसको ऐसे दोनों साइड से दूध में डिप करना है, और ऐसे ही उसको भी ऐसे रख लेना है। आपको जितनी लेयर का चाहिए आप उसी हिसाब से उतनी लेयर का ही अब टोस्ट को रख लें। अब हमें जो हमने विप क्रीम ली थी उसको विप कर लिया था, उसको सारे पे इस तरीके से कवर कर देना है आपको, ऐसे पूरा आपको अच्छे से कवर कर देना। पूरा कवर करके आपको दिखाते हैं। ये हमने अच्छे से कवर कर लिया। अब इसी तरीके से जैसे हमने पहले दूध में डिप करके टोस्ट से वो किया था, ऐसे ही हमें एक लेयर इसकी और बना देनी है, इस तरीके से। इस पे आप थोड़े से ड्राई फ्रूट डालना चाहें डाल लें, ऐसे ही हम एक लेयर और इसकी बना देंगे। अब इसी तरीके से इसको भी हम कवर कर देंगे क्रीम से, जैसे हमने पहले किया था ऐसे ही हम इसको भी कवर कर देंगे अच्छे से। अब हमने इसको ये क्रीम से कवर कर दिया, फिर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे और थोड़ी सी चॉकलेट जो हमने क्रश कर ली थी। अब ऐसे ही एक लेयर और टोस्ट की बनाएंगे और ऐसे ही इसको कवर कर देंगे पूरा, जैसे हमने पहले एक लेयर बनाई और इस तरीके से एक लेयर और बनाएंगे। अब इसको भी हम ऐसे ही कवर कर देंगे। जितनी लेयर का आपको चाहिए आप उसी हिसाब से उतनी लेयर का आप बनाएं। मैं इसको 3 लेयर का बना रही हूँ। अब इसको चारों तरफ से अच्छे से कवर कर दें। ये विप क्रीम मैं मार्केट से लाई थी, खाली मैंने विप की है शुगर ऐड करके। आप एक बार चेक कर ले उसमें शुगर है या नहीं है, अगर नहीं हो तो ऐड कर ले, अगर हो तो आप ऐसे ही उसको विप कर ले। इसको हम चारों तरफ से अच्छे से कवर कर लें। अब आप इस पे जैसा भी डिज़ाइन बनाना चाहे, और इसका टेस्ट बिल्कुल जैसे केक का टेस्ट आता है ना आपका, बिल्कुल सेम वो ही टेस्ट आएगा। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने ये घर में टोस्ट से बनाया है। जैसे भी आप इसको कवर करना चाहे, फ्रूट से, चॉकलेट से, ड्राई फ्रूट से, जैसे भी। थोड़ी सी हम इस पे चॉकलेट डाल लेते हैं, आपको जो भी पसंद हो इस पे वो उससे आप इसको डेकोरेट करें। ये हमारा केक रेडी हो गया। आप इसमें कोई भी फ्लेवर लेना चाहे एसेंस वगैरह का, तो आप विप क्रीम में एसेंस डाल लें और उससे आप जो भी फ्लेवर चाहेंगे वो आ जाएगा क्रीम में हमारी में। और बिल्कुल सेम जैसे मार्केट का केक होता है ना, बिल्कुल सेम वैसा ही आपको खाने में लगेगा। अब हम आपको इसको कट करके दिखाते हैं। ये हमने कट कर लिया है। ये जो मेरी क्रीम थी ये एगलेस क्रीम मैं लेके आई थी, आपको जैसी भी आपको चाहिए आप वो लेके आए, बस उसको थोड़ी देर आपको विप करना होता है।